हे गाइस वेलकम बैक टू मी ब्रोस। तो कैसे हैं आप लोग? वी होप आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस आज जिनको नहीं पता मेरा नाम है तलहा मीर और मेरे साथ हैं हमजा मीर। और गाइस आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टॉपिक है टॉप 10 इंडियन CEOs। और क्या इस वीडियो को टॉप 10 CEOs मतलब के टॉप 10 CEOs इंडिया के जो हैं वो वर्ल्ड वाइड हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडियन CEOs हैं उनकी लिस्ट है और उनकी डिटेल्स होंगी। तो देखते हैं इस वीडियो में और क्या हमें देखने को मिलता है। और इसका ओरिजिनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और वो अगर किसी ने नहीं देखी ओरिजिनल वीडियो तो वो पहले जाके देख लो, फिर उसके बाद रिएक्शन चेक करें हमारा। तो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 इंडियन CEOs, 10 शक्तिशाली भारतीय CEOs। दोस्तों, भारत बहुत ही पुराने समय से विश्व गुरु रहा है। हमने दुनिया को बहुत सारे स्कॉलर्स दिए हैं और बहुत सारे ऐसी शख्सियत भी भारत से निकली हैं जिन्होंने दुनिया को मैनेजमेंट सिखाया। इसके अलावा टेक्निकल और कल्चरल नॉलेज में भी इंडिया किसी से भी पीछे नहीं था। उदाहरण के लिए आप स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, चाणक्य और सबसे ज्यादा प्रभावशाली महात्मा गांधी को देख सकते हैं। लेकिन क्या 21वीं सदी में भारत विश्व गुरु नहीं रहा? क्या हमारे पास अब वो मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं है? अगर आपको लगता है कि ऐसा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 CEOs की जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला कायम रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 10 इंदिरा नूई। पेप्सिको की एक्स CEO इंदिरा नूई को कौन नहीं जानता? इंदिरा नूई में उनके को वर्कर्स को हमेशा एक अच्छे लीडर के गुण दिखाई देते थे। इंदिरा नूई का विजन और उनकी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने की खूबी ही उनसे सबसे अलग बनाती थी। पेप्सिको की इस CEO की लीडरशिप का प्रभाव उनकी कंपनी के रिजल्ट खुद बताते हैं। पेप्सिको का साल 2006 में 2,51,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू साल 2017 तक बढ़कर 4,60,000 करोड़ रुपए हो गया, और लास्ट ईयर के एंड तक उनकी कंपनी का शेयर होल्डर रिटर्न 62% तक पहुंच चुका था। इंदिरा नूई ने अपनी कंपनी में परफॉर्मेंस विद पर्पस विजन को शुरू किया, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को लॉन्ग टर्म की ग्रोथ मिली और साथ ही साथ इसका सोसाइटी और एनवायरनमेंट पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। पिछले साल अक्टूबर में इंदिरा नूई अपनी पोस्ट से रिटायर हो गए। उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी कंपनी छोड़ी जिसका फ्यूचर अपार संभावनाओं से भरा है। इंदिरा नूई का जन्म तमिलनाडु के मद्रास शहर में हुआ था। उन्होंने अपने बैचलर डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और MBA डिग्री IIM कोलकाता से प्राप्त की। अपना करियर जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर शुरू करने से लेकर पेप्सिको कंपनी के CEO बनने तक के सफर में इंदिरा ने उन तमाम आने वाली महिलाओं के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाने की चाह रखती हैं। आज की डेट में इंदिरा अमेज़न कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मेंबर के रूप में काम कर रही हैं। 9. जॉर्ज क्यूरियन। साल 2015 में जॉर्ज क्यूरियन स्टोरेज और डेटा मैनेजमेंट कंपनी नेट ऐप के CEO चुने गए थे। इससे पहले सितंबर 2013 से लेकर मई 2015 तक करीब 2 सालों के लिए वो इसी कंपनी में प्रोडक्ट ऑपरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट थे। साल 2011 में क्यूरियन ने स्टोरेज सॉल्यूशन ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नेट ऐप से जुड़े थे। नेट ऐप के CEO के रूप में जॉर्ज क्यूरियन की सैलरी 95 करोड़ रुपए तक की है। जॉर्ज क्यूरियन का जन्म केरल के कोट्टायम जिले में हुआ था। उन्होंने बैचलर इन इंजीनियरिंग प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से और MBA स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की। अपने करियर की पहली जॉब उन्होंने 1996 में ओरेकल कंपनी में की थी, जहां उन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम किया। इसके बाद ओरेकल में ही उन्हें सर्वर टेक्नोलॉजी डिवीजन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। जॉर्ज की गाइडेंस और सपोर्ट में इस कंपनी ने उस वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ अचीव की थी। इसके बाद आगे भी उन्होंने ओरेकल डेटाबेस, फ्यूजन मिडलवेयर और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बैकबोन के जैसे काम किया। उसके बाद जॉर्ज क्यूरियन ने सिस्को सिस्टम्स में एप्लीकेशन नेटवर्क और स्विचिंग टेक्नोलॉजी में बतौर जनरल मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट काम किया। 8. अरविंद कृष्णा। अरविंद कृष्ण के बारे में हो सकता है आप बहुत ज्यादा कुछ ना जानते हो। अरविंद कृष्ण को अभी हाल ही में IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी का CEO बनाया गया है। दोस्तों, अरविंद एक IIT में पढ़ चुके छात्र हैं। वर्ष 1962 में अरविंद का जन्म आंध्र प्रदेश में पश्चिमी गोदावरी जिले में हुआ था।
अरविंद आईबीएम में चर्चा में आए थे जब उन्होंने 2 साल पहले एक धुआंधार स्पीच डिलीवर की थी, जिसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा सराहा गया था। अरविंद 6 अप्रैल 2020 में आईबीएम के 10वें सीईओ होंगे। इसके साथ ही आपको ये बताना चाहूंगा कि अरविंद ने पीएचडी भी की है। अरविंद ने आईबीएम ज्वाइन की थी साल 1990 में, तब उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ब्रेक मिलना एक बड़ी बात तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सफलता अरविंद के लिए इंतजार कर रही थी। उन्हें उनके लगातार अच्छे कामों के लिए आईबीएम के क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। उन्हें आईबीएम के ही रेड हैट को लगभग 2,34,000 करोड़ तक के टर्नओवर पर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। ये सब उनकी एक स्पीच से शुरू हुआ था। हम ये उम्मीद करते हैं कि अरविंद जी भी सुंदर पिचाई, सत्य नडेला और शांतनु नारायण की तरह भारत का नाम ऊंचा करेंगे। 7, संजय मेहरोत्रा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पले बड़े संजय मेहरोत्रा आज के टाइम पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। इसके अलावा संजय 1988 में बनी सैनडिस्क कंपनी के को फाउंडर भी हैं और वे 2016 तक उसके सीईओ भी रह चुके हैं। उसके बाद सैनडिस्क को वेस्टर्न डिजिटल नाम की कंपनी द्वारा खरीद दिया गया। संजय ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से प्राप्त की है। संजय मेहरोत्रा ने नॉन वोलेटाइल सेमीकंडक्टर मेमोरी इंडस्ट्री में 30 से ज्यादा साल तक काम किया है। इसके अलावा मेहरोत्रा के नाम पर 70 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। उन्होंने नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिजाइन और फ्लैश मेमोरी से जुड़े कई आर्टिकल्स भी पब्लिश करवाए हैं। माइक्रोन के सीईओ रहते हुए मेहरोत्रा को अमेरिका की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन में वर्ष 2019 के लिए चेयरमैन भी बनाया गया था। 6, फ्रांसिस्को डिसूजा। फ्रांसिस्को डिसूजा भारतीय मूल के बिजनेसमैन हैं। इनका जन्म कीनिया के नैरोबी शहर में हुआ था। वर्तमान में वे कॉग्निजेंट कंपनी के सीईओ होने के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं। कॉग्निजेंट एक प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी है जो पूरी दुनिया में फैले अपने क्लाइंट्स को उनके बिजनेस ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी मॉडल्स को डिजिटली सेटअप करने में मदद करती है। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मकाओ की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एशिया से पूरी की। उसके अलावा उन्होंने पिट्सबर्ग की कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है। साल 1994 में फ्रांसिस्को ने कॉग्निजेंट कंपनी को फाउंड किया था और 2007 से ही वो इस कंपनी के सीईओ की सीट संभाल रहे हैं। उनके सीईओ बनने के बाद उनकी कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ 14,300 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2017 में 1,300 करोड़ रुपए हो गई थी। कॉग्निजेंट को फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 192 प्लेस पर रखा गया था और यह लगातार दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लिस्ट में खुद को बनाए हुए है। 5, शांतनु नारायण। शांतनु नारायण प्रेजेंटली एडोबी सिस्टम्स इनकॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। साल 2005 में उन्हें इस कंपनी का प्रेसिडेंट चुना गया था, जिसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने कंपनी के सीईओ बनने तक का रास्ता तय किया। इसके अलावा साल 2019 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान में से एक पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तेलंगाना के हैदराबाद में साल 1962 में शांतनु का जन्म हुआ था। शांतनु ने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। साथ ही साथ उन्होंने बर्कले की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए और ओहायो की ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स भी किया। उनके करियर की शुरुआत एप्पल कंपनी से हुई, जहां उन्होंने सिलिकन ग्राफिक्स के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया और एक नई डिजिटल फोटो शेयरिंग कंपनी पिक्ट्रा भी बनाई। शांतनु की लीडरशिप और गाइडेंस में एडोबी जल्द ही फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में भी शामिल हो गए। शांतनु को अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट द्वारा उनके अपने मैनेजमेंट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी अपॉइंट किया गया था। 4, निकेश अरोड़ा। निकेश अरोड़ा सॉफ्ट बैंक कॉर्पोरेशन के एक्स सीईओ और प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर 2014 से लेकर जून 2016 तक सॉफ्ट बैंक के लिए काम किया। सॉफ्ट बैंक से जुड़ने से पहले निकेश गूगल में हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने कई सारे सीनियर ऑपरेटिंग लीडरशिप रोल्स भी संभाले थे। सॉफ्ट बैंक के साथ काम करते हुए 2 सालों में उन्हें 1500 करोड़ रुपए की सैलरी दी गई थी, जो दुनिया में किसी एग्जीक्यूटिव को दी गई सबसे हाई सैलरी थी। यूपी के गाजियाबाद में साल 1968 में जन्मे निकेश की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल में हुई थी। उन्होंने IIT BHU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। इसके साथ ही थोड़े टाइम के लिए विप्रो कंपनी के साथ भी काम किया। इसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स की बोस्टन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने 2000 में गूगल कंपनी ज्वाइन की, जो उस वक्त तक इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। उसके बाद उन्होंने 2014 में गूगल से विदा लेकर
SoftBank ज्वाइन किया। 3. संजय कुमार झा। संजय कुमार झा सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज के बिजनेस में एक जाना माना नाम है। संजय कुमार झा कैलिफोर्निया स्थित ग्लोबल फाउंड्रीज कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फाउंड्री है, के साथ साथ मोटोरोला मोबिलिटी कंपनी के भी एक्स सीईओ रह चुके हैं। उससे पहले वे क्वालकॉम कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। 9 मार्च 2018 को संजय ग्लोबल फाउंड्रीज के सीईओ की पोस्ट से रिटायर हो गए। संजय कुमार झा का जन्म 1963 में बिहार में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी भी की। साल 2011 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड द्वारा डॉक्टरेट इन साइंस की ऑनररी डिग्री भी दी गई थी। संजय ने अपने करियर की शुरुआत 1994 में क्वालकॉम में एक सीनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट से की थी। 1997 में संजय को इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जहां उनका काम इंटीग्रेटेड सर्किट इंजीनियरिंग ग्रुप को लीड करना था, जिसमें संजय ने 5 जनरेशन के मॉडम और सेल साइट चिपसेट्स को डेवलप और इम्प्रूव किया था। 2. सत्य नडेला। सत्य नडेला 2014 में उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बनाए गए थे, जब कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ने के बाद नडेला ने कंपनी में कई सारे नए चेंजेस लागू किए, जिनके रिजल्ट के रूप में कंपनी की स्टॉक पोजीशन में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। अपने कंपटीशन के साथ पार्टनरशिप करके, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स करके और पूरी कंपनी को एक मेन मिशन से जोड़कर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वापस अपनी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गई। सत्य 4 फरवरी 2014 को ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ अपॉइंट किए गए थे। उनसे पहले के सीईओ स्टीव बॉलमर ने अगस्त 2013 में बिल गेट्स को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद बिल गेट्स और बॉलमर दोनों ने मिलकर कंपनी को उन मुश्किल हालातों से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सत्या के कंधों पर रख दी, जिस पर सत्या ने कंपनी को अपनी 100% एफर्ट देते हुए उसे सारी मुश्किलों से बाहर निकाला। सत्य नडेला का जन्म 1967 में हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन मणिपाल यूनिवर्सिटी से पूरा किया। इसके बाद मिल्वाकी में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सत्य अमेरिका चले गए। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से एमबीए किया। 2017 में सत्या ने अपनी पहली बुक हिट रिफ्रेश पब्लिश करवाई। इस बुक में सत्या ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से जुड़े कुछ बहुत ही खास किस्से शेयर किए हैं। इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट के जरिए वे सभी के लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुंदर पिचाई। दोस्तों, किसी भी कंपनी का सीईओ बनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन पूरी दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी का सीईओ बनना उस वक्त के ऐतिहासिक पल हो सकता है। ठीक ऐसा ही 2015 में गूगल कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ हुआ, जब कंपनी को ज्वाइन करके 11 साल के बाद ही उन्हें उस कंपनी की टॉप पोस्ट ऑफर की गई। सुंदर पिचाई का जन्म चेन्नई में साल 1972 में हुआ था। इंडिया के एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे और पले बड़े सुंदर पिचाई अपने को वर्कर्स के बीच अपने हम्बल नेचर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिली स्कॉलरशिप से आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका चले गए। सुंदर बताते हैं कि चेन्नई से अमेरिका तक आने वाली फ्लाइट के टिकट की कीमत उनके पापा की सालाना इनकम से भी ज्यादा थी। सुंदर ने अपने करियर की शुरुआत अप्लाइड मटेरियल नाम की कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर की पोस्ट से की थी। उनके इम्प्रेसिव टैलेंट और वर्क एक्सपीरियंस की वजह से 2004 में सुंदर को गूगल में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब मिल गई। गूगल क्रोम पर सुंदर द्वारा किए गए एफर्ट से ही पूरे ब्राउजर मार्केट में 25% यूजर्स गूगल क्रोम को ही अपने डिफॉल्ट ब्राउजर के रूप में यूज करते हैं। पिचाई के सीईओ बनने के बाद गूगल को अप्रत्याशित सक्सेस और रेवेन्यू ग्रोथ मिला। गूगल के स्टॉक प्राइस पिचाई के आने के बाद से 90% तक बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सीईओ जिनके इशारों पर पूरी दुनिया में ब्रांड्स चलते हैं। इन सभी लोगों पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है। अगर आपको भी है तो हमें तुरंत कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। कैसी लगी जी वीडियो आपको? बहुत ज्यादा मजा लगी थी यार, बहुत ज्यादा। जैसे कहते हैं ना, एक बहुत मजा आया इस वीडियो को देख के। और ज्यादातर मैंने ये नोट किया है कि कॉलेज तक वो लोग इंडिया में होते थे, देन उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो लोग मतलब
अब्रॉड चले जाते थे, तो वहाँ पर वो लोग मास्टर्स वगैरह और पीएचडीज करते थे, तो वहाँ से फिर उन लोगों को कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर मोस्टली प्रोडक्ट मैनेजर प्रोडक्ट मैनेजर स्टार्ट में जो थी मैम उन्होंने भी एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया जॉनसन एंड जॉनसन में। हाँ तो उसके बाद और ये जो गूगल के सीईओ हैं इन्होंने भी स्टार्ट में प्रोडक्ट मैनेजर स्टार्ट किया ज़्यादातर। हाँ उन्होंने भी साइड आई गेस प्रोडक्ट मैनेजर, तो ज़्यादातर लोगों ने एज अ प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन किया और फिर उसके बाद वो टॉप लोगों के अंदर सीईओ एज अ सीईओ। वो लोग अपने हम्बलनेस की वजह से उन्होंने बोला और हार्ड वर्क की वजह से और अपने कोवर्कर्स के अंदर उन्होंने अपना वो ऐसा 100% दिया कि उनमें वो बिल्कुल वो असल में टीम वर्क का जो फार्मूला है ना उसको सही से चला सके और इम्प्लीमेंट किया उस तरह से और फिर उनको रिजल्ट देखो ना गूगल के सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इंडिया तो वो 1500 करोड़ सैलरी सॉफ्ट बैंक में 1500 करोड़ सैलरी 1500 करोड़ याद है और कुछ नहीं यार। और यार वेल डन कह सकते हैं, वेल डन इंडिया, और हमें भी इनसे सीखना चाहिए बिल्कुल ऐसे। और इसके साथ साथ ये कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी और मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि इंसान जो कि अपने क्या कहते हैं आइडल्स को चुनता है या फिर अपना एक मोटिव बनाता है कि हाँ भाई मेरी ये मंजिल है उसके लिए अगर आपको कोई सक्सेसफुल पर्सन की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की हुई है। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, गूगल के जो सीईओ हैं उन्होंने मतलब उनके पापा की जो मंथली सैलरी थी एनुअल सैलरी उस टिकट से महंगी थी टिकट से कम थी तो इतनी गुर्बत में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और अब उनकी जो लाइक एनुअल सैलरी है वो करोड़ के अंदर इतनी ज़्यादा एनुअल सैलरी तो बहुत ज़्यादा है डॉलर्स करोड़ डॉलर्स में क्या मतलब वही ना मतलब कि नहीं आई गेस 2 मिलियन डॉलर या ऐसी कुछ है उस दिन मैं सर्च कर रहा था तो 2 मिलियंस के लाइक करोड़ों के अंदर है। और कहाँ वो उनका टाइम जब वो स्ट्रगल कर रहे थे और बचपन तो ये वो चीज़ है। मैं कहता हूँ अगर बिल गेट्स के कोर्ट के ऊपर एक पूरा उतरते कि गरीब पैदा होना आपका वो नहीं है दोष नहीं है लाइक आपकी गलती नहीं है लेकिन गरीब मर जाना ये आपका या आपका कसूर आप कसूरवार। तो इन्होंने सही इम्प्लीमेंट किया उसके ऊपर और यार बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। तो आपको कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके हमें नया टॉपिक ज़रूर सजेस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और हमें बताएं कि ज़्यादातर आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। हाँ ज़रूर हमें शो तो होता है लेकिन ये नहीं पता होता कि कौन पर्सन कहाँ से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बता दिया करें कि हम लाइक पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यार हमारी ऑडियंस कहाँ से आ रही है। और आपके कमेंट करने से काफ़ी ज़्यादा हमें मोटिवेशन भी मिलती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिव होता है तो इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना तो इसीलिए कमेंट आपको टॉपिक का सजेशन इसलिए कहते हैं कि टॉपिक हमें ज़रूर सजेस्ट करें ताकि इंगेजमेंट रहती है ना तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती है ऐसे कि ऑडियंस हमें देख रही है और आप लोग देख रहे हो एंजॉय कर रहे हो सब्सक्राइब करो तो वो तो बहुत ज़्यादा वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत मज़ा आ रही होता है। तो गाइज फिर आप बताएं क्या करना चाहिए। ठीक है फिर आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो की सजेशन यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।